पहले युवती से फेसबुक पर दोस्ती की और फिर युवती की शादी हो गई तो उसे बदनाम करने के लिए उसकी फेक आईडी बनाई और उसके फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दिए। मामला कोटा के कैथुनीपुर थाना इलाके का है। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो आरोपी हरेंद्र मीणा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर कोटा लाया गया। आरोपी हरेंद्र एमपी के हरदा में ई मित्र चलाता था, जहां उसने फेसबुक पर रतलाम के रहने वाले एक युवती से दोस्ती की। जब युवती की शादी हो गई तो आरोपी ने उसके तीन तीन फेक आईडी बनाई और उसके फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील फोटो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने शुरू कर दिए। इधर कोटा में नवविवाहिता के ससुराल पक्ष में हड़कंप मच गया और विवाहिता मानसिक तनाव में चली गई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कैथुनीपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को धर दबोचा। ये क्या है, जो आरोपी और एक महिला थी, इनके पहले फेसबुक पर दोस्ती थी, तो दोस्ती बाद में इस लड़की की शादी होगी तो उसने ऐसा मना कर दिया, आप मुझे फेसबुक पर कमेंट्स मत किया करो। इस बात से फिर इस लड़के ने इसकी दो तीन फेक आईडी बनाई और इसका पति और जो इसके रिश्तेदार वगैरह थे, इन्हें कुछ लड़की के बारे में इसकी आईडी से गलत गलत मैसेज करने लगे। इस आधार पर लड़की ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इन्होंने उस लड़की से, उस आदमी से बोला कि तुम आईडी वगैरह बंद कर दो, तो उसके एवज में इनसे पैसे मांगने लग गया और भी इसने परेशान ज़्यादा करना चालू कर दिया। इस आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया था। तो ये आरोपी हेमेंद्र मीणा हरदा मध्य प्रदेश का निवासी है। लड़की तो रहने वाले रतलाम के, वो पाटनपुर इलाके में उसका ससुराल है। ये इसने क्या है, उसकी दो तीन फेक आईडी बना दी और जो इसका जो पति और उसके रिश्तेदार है उनसे अलग अलग मैसेज डाला करता था ये कि भाई मैं अपने पति से, मतलब जिसकी शादी हुई है मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, या मेरे कहीं और अफेयर चल रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। और इसके क्या नाम से जो इस लड़की की उन फेक आईडियों में इसकी फ़ोटो लगा दिया करता था वो लड़की की, उसमें नीचे का चेंज कर दिया करता आदि, जो अपन बोलते हैं कटिंग वाला काम। हाँ, कुछ इस तरह के थे, मतलब फोटो अश्लीलता टाइप ही फोटो थे।